चलो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहला वाला टॉपिक क्या है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता? अब सुमित नहीं है इधर, उदय भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो तुम सबको मालूम है, संविधान हमारा, उसका वर्किंग कैसे रहता। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको, वन नोट की स्क्रीन दिख रही है आपको, ये वाली स्क्रीन देखो जिसमें मैं लिखने वाला हूँ अभी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो दो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं हमेशा। पहली वाली सिस्टम कौन सी रहती है, एक तो इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट ही निकालता हूँ मैं, उसमें सिखाया था। आपका एट साइडेड की बुक में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था कि नहीं पता नहीं मुझे। दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट रहती है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम रहता है। देखो इंडिया में किसी पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, और जो अमेरिका में है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहता है, राइट, रहता कि नहीं, जवाब दो मुझे अंतरा। क्या सर? इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रहता तो अमेरिका कौन है अभी? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर कौन सा है? डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट रहता है ना। हर्षिता बोल रही है कुछ तभी, हर्षिता प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता, रुक, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है उधर अमेरिका में, अमेरिका में प्रेसिडेंट रहता है। तो वो सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या बोलेंगे वो सिस्टम को? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। हमारे इधर जो है ना इंडिया में वो रहता है पार्लियामेंट सिस्टम। तो देखते ना संसद भवन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी हुई है। देखो मैं जाके मुंह उठा के किसी इंसान के ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे पावर चाहिए वो चीज वो कलेक्ट करने में। अगर मैं जाऊँ सपोज फॉर एग्जाम्पल काफे तुम्हारे स्कूल में जाओ या कहीं भी, और तुम्हारे को बोलो कि तुम्हारे को ये बुक्स पे है ना अभी टैक्स देना पड़ेगा मुझे बुक्स यूज करने में, तो तुम लोग उठेंगे और बोलेंगे भाई तुम कौन है, तुम्हारे को किसने हक दिया ये, क्या तुमने संविधान ने हक दिया है क्या टैक्स कलेक्ट करने का? नहीं दिया है ना तो तुम घर पे चल जाओगे, ऐसे बोलेंगे तुम। ओके, तो अपना सिस्टम कौन सा रहता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट भी रहता है, प्रेसिडेंट रहता है मालूम है ना आपका? अपना प्रेसिडेंट कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। और बाप रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट, नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट, नरेंद्र मोदी ने सुनना चाहिए मैं प्रेसिडेंट बोल गए। और अपने इधर प्राइम मिनिस्टर भी रहता, मतलब दोनों भी रहता, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों भी रहने वाले हैं अपने इधर, राइट। और अमेरिका में सिर्फ प्रेसिडेंट रहता क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसलिए ये क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों रहता। और साथ ही साथ हमारे सिस्टम में लोकसभा रहती है, सुना है ना? बहुत सारे जनों ने सुना होगा, जान दो लोकसभा द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तुम्हारे 8th स्टैंडर्ड की सिविक्स की बुक में दिया है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो कभी। वो जो इलेक्शन होते हैं नरेंद्र मोदी के, जनरल इलेक्शन, तो वो इलेक्शन काय के लिए होते हैं? लोकसभा कैंडिडेट इलेक्ट करने के लिए। फिर बाद में होता है राज्यसभा, होते है कोई भी बिल पास करने के, सपोज ऐसी प्रोविजन है एक न्यू बिल पास करने का, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, जो बोले पाकिस्तान में जो हिंदूज रहेंगे वो इनको इधर लाने का और इंडिया के नागरिकता देने की है, वैसे टाइप का बिल पास होने के लिए पहले क्या करता था, लोकसभा में रखा जाता वो बिल। अब बिल बोले तो लाइट बिल वगैरह नहीं, अब बिल बोले तो अगर कुछ प्रोविजन एक्ट में करने की है तो उसको बोलते बिल। तो पहले लोकसभा में रखेंगे, लोकसभा में पास होंगे, लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है, क्योंकि हम लोग जाके तो पास नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, हमारे बिहाफ में कैंडिडेट चूज करके देते। फिर बाद में राज्यसभा में जाएंगे वो बिल, उधर उस पर बहस होंगे, झगड़े होंगे बहुत सारे, और फिर बाद में वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद, प्रेसिडेंट की अगर सिग्नेचर हो गई तो वो बन जाएगा एक्ट। वैसे बनाता क्या बोलते हैं अपना ये बिल, कौन सा बोला था मैंने, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। फिर जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का, यूनियन टेरिटरी मालूम है ना किसको? मालूम है यूनियन टेरिटरी किसको पूछे? ईश्वरी सर यूनियन टेरिटरी क्या रहता?
मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। अरे सॉरी म्यूट क्यों हो गए, बताओ ना सर। नहीं पता मुझे, नहीं पता। आंध्रा कुमार सिंह बोला सर। यूनियन टेरिटरी क्या रहता? यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कुछ तो भी रहता है ना। हमारे स्टेट्स आते सेवन। वाह, स्टेट्स आते सेवन। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स रहता कुछ रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। वही देखना चाहता मैं, कितने पानी में सब जन इधर। और कौन है अथर्वा? बारी बार से पूछेंगे, अनम्यूट कर दो अभी सबको। सवाल पूछ रहा मैं। अथर्वा 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 आ रहा है नहीं। सुमित स्नेहा भी चुपके बैठी है इधर, स्नेहा को पूछता मैं। सुमित बोला सर। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश क्या रहते? गौरी को मालूम होगा अभी। गुड मॉर्निंग गौरी, अरे कनेक्ट हो रही है, बाद में पूछते। सुमित गुड मॉर्निंग, उठो। सुमित गहरी नींद सोया लगता। स्नेहा सर नहीं पता। नहीं पता, अरे इसको बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट, नहीं मालूम तो डायरेक्ट बोलता है। गौरी गुड मॉर्निंग, गौरी गौरी भी अनम्यूट है अभी किसको। हाँ गौरी आ गई, गुड मॉर्निंग गौरी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ अच्छा मुझे ये बताओ यूनियन टेरिटरी क्या रहते? मालूम है? नहीं पता। हाँ म्यूट करके साइड में बैठ जाओ अभी, सब चुप। सब डिवीजन ऑफ इंडिया। सब डिवीजन ऑफ इंडिया, इतने डेंजर डेंजर आंसर मत दो, किसने सुन लिया ना ये रिकॉर्ड हो रहा लेक्चर, किसने सुन लिया यूनियन टेरिटरी के बारे में तो वो बेचारा तो क्या हो जाएंगे उसका। सुमित तो कुछ बताने की तैयारी नहीं है, सुमित को रेंज नहीं लगता। क्या है कि सुमित का गायब एग्जिट हो गया लगता, गायब हो गया। अथर्व का आवाज आ रही है क्या मेरी? अथर्व का ऐसे टाइम में नहीं आएंगे। ओके अब यूनिट देखो, सिस्टम पूरा समझा रहा है अभी भी। देखो क्या बोलते हैं, लोकसभा रहता ये मैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? बोलो हाँ नहीं कुछ तो बोलो। बुक की दिख रही है ये मैप, दिख रहा है अभी मैप लाया मैंने, दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। मैं क्या करता इसके ऊपर का रब कर डालता। अब ये दिख रहा है मैप, दिख रहा होगा आपको। अब गवर्नमेंट रहती कौन से टाइप की रहती? लोकसभा, अपन बोल अभी समझाया मैंने तुम्हारे को, लोकसभा रहती, राज्यसभा रहती, राइट रहती। अब ये जो गवर्नमेंट रहती वो कौन से लेवल पे रहती? सेंट्रल लेवल पे। हाँ मतलब लोकसभा का इलेक्शन जीतना पड़ता, फिर राज्यसभा का इलेक्शन जीतना पड़ता, राइट। लोकसभा का इलेक्शन अगर जीत गए तुमने, मतलब 50% से ज्यादा अगर सीट लाए, जो जीते रहते तुम्हारे 550 के आधे 50% 225 या उससे ज्यादा लाए तुमने, तो क्या बोलते हैं तुम्हारी जीत पक्की है, तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके तो वो रहता सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट गवर्नमेंट रहती स्टेट लेवल पे। स्टेट गवर्नमेंट में क्या रहता, तुमने नाम सुना होगा विधानसभा, किसने सुना है? विधान परिषद रहता रहता है क्या, सुना है क्या नाम? सुना सर। हाँ तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे मुख्यमंत्री बनने का महाराष्ट्र का, सीरियसली मत लो एग्जांपल दे रहा मैं बस। तो अभी मुझे मुख्यमंत्री बनने का है, नहीं तो बोलेंगे और एक अपोजिशन आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विधानसभा के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। हाँ और विधानसभा के इलेक्शन में मेरी जीत हो गई, सपोज अभी उद्धव ठाकरे जी की जीत हुई। उद्धव ठाकरे जी क्या बन गए? मुख्यमंत्री, राइट। तो मतलब स्टेट में क्या रहती? विधानसभा, विधान परिषद,
मैं महाराष्ट्र से रिलेटेड बता रहा, जितने भी स्टेट्स है उसकी ये रहती है, और सेंट्रल में क्या रहता, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब क्या बन गया, स्टेट के ऊपर अगर डिसीशन लागू करने का है तो विधानसभा विधान परिषद की क्या परमिशन लेनी पड़ती, राइट। और ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल में कुछ डिसीजन ले, जैसे ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन लगाने का पूरे भारत में, तो क्या करना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा का डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है, नरेंद्र मोदी जी चाहे मतलब वो क्या वो एग्जांपल दिया था मैंने, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि आज कुछ अलग करते और अलग लॉकडाउन लगा दिया, ऐसे नहीं होता, पहले परमिशन लेनी पड़ती। कि अगर स्टेट में डिसीजन लगाना है तो क्या लगेगा, विधानसभा एंड विधान परिषद की परमिशन। अगर सेंट्रल में डिसीजन लगाना है तो क्या लगेगा, लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन। वैसे इंडिया में है ना, कुछ स्टेट के अलावा रहते, अलग रहते, कुछ कुछ स्टेट्स इंक्लूडेड नहीं रहते, कुछ कुछ यूनियन टेरिटरीज रहते। यूनियन टेरिटरीज बोले तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट रहेंगी नहीं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, ये है यूनियन टेरिटरी। वहां पे जो सेंट्रल ने जो कुछ बोला, सेंट्रल ने जो भी कुछ डिसीजन दिया वो किसको मानना पड़ेगा, केंद्र शासित प्रदेश, जो आंध्रा ने बोली थी ना, कहा गया आंध्रा गायब हो गई बोली थी क्या नहीं, उसको बोलते केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे डायरेक्टली गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स लगेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्यों रहता है ऐसी, पहले तो विधानसभा विधान परिषद नहीं रहती वो स्टेट की, वो यूनियन टेरिटरी की, वो बात आपने समझ लिया। अभी देखो विधानसभा विधान परिषद का डिसीजन लेने का और फिर बाद में लोकसभा एंड राज्यसभा का डिसीजन लेने का, ये टाइम कितना लेंथी प्रोसेस है, वो बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो फिर उसके लिए क्या करते मालूम है क्या, अब डायरेक्टली है ना लोकसभा राज्यसभा का डिसीजन ले लिया और वो लागू कर दिया एक यूनियन टेरिटरी पे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। अब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया, क्योंकि अपने ऊपर अटैक हो रहे थे फॉरेन कंट्रीज के, पाकिस्तान वाइज। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, स्टेट था तो मतलब उधर विधानसभा विधान परिषद अलग रहती होंगी उधर की, और लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसी कितना टाइम कंज्यूमिंग होता होगा। तो अभी है ना, जो भी डिसीजन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लेंगी वो डायरेक्टली कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये यूनियन टेरिटरी में। वैसे इंडिया में कितने 8 यूनियन टेरिटरी है, अभी अपडेट हुआ है लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर डिसॉल्व हुआ ना स्टेट बोल के, पहले तुम बोलते थे इंडिया में 29 स्टेट्स है, अभी इंडिया में कितने 30 स्टेट्स है। कल मैंने 8th के ग्रुप पे एक फोटो शेयर करा है, लिस्ट ऑफ द स्टेट्स, अपने इधर 29 बोलते थे ना, तुम्हारे सिलेबस में भी है 29 स्टेट्स, तो 29 स्टेट्स ने बोलना अभी 30 स्टेट्स हो गए हुए और 8 यूनियन टेरिटरी है। समझा सबको ये, समझा क्या, बोलो सर। कनेक्शन चला गया था। अच्छा ओके, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की वर्किंग कैसी होती है। अभी द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ The textbook of political science till now have helped to take an overview of the local government, the values and the philosophy of the Indian constitution, as also the governing structure created by the constitution and India's place in international relations. India ka place kahan pe abhi tak cover hua hai, tumne last year padha tha cold war ke bare mein, political science mein padha tha na, kiske beech mein tha cold war, अरे बोलो क्या सर, कोल्ड वॉर किसके बीच में था, इंडिया पाकिस्तान ना, नहीं सर, फिर यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, और नहीं फिर रशिया, चाइना, अभी याद आया, ईस्टर्न यूरोप। तो तुमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे, नाम मूवमेंट के बारे में पढ़ा, ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था लास्ट ईयर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पढ़ा ना सब लर्न हो गए। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, नहीं ये साल पढ़ने वाले पॉलिटिकल पार्टीज का। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिश अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑल्सो इट हैज मेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोविजन टू इंश्योर दैट सिटीजन गेट जस्टिस एंड फ्रीडम is protected, freedom
कैसे होगा प्रोटेक्टेड है सबका. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मींस थ्रू विच अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड. द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. ये तो सबको मालूम है. वी द पीपल ऑफ इंडिया सब बोलते हैं असेंबली में. बस वो सोवरेन का मीनिंग क्या है वो इसने मालूम हमारे. एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इट्स पॉलिटिकल प्रोसेस एंड स्टेप दैट हैव बीन टेकन टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. दिस विल प्राइमरीली फोकस ऑन थ्री एरियाज. कौन से एरियाज है? डेमोक्रेसी. पहली बात इंडिया में डेमोक्रेसी क्यों है? डेमोक्रेसी क्या रहता बोलो भला. कौन बोलेगा? अथर्व बोलेगा. लास्ट टाइम बच गया था. बोलो अथर्व. अथर्व अथर्व नहीं बोलेगा. अभी कौन बोलेंगे? ईश्वरी. यस सर. बोलिए डेमोक्रेसी क्या रहता? लोकशाही. लोकशाही रहता. अरे सब मराठी में ट्रांसलेट. मैं तो मराठी समझते नहीं सर. डेफिनेशन कैसे बताएं सर? डेफिनेशन में साइंस की तो बोल रहा है तुम्हारे को कि रिजिडिटी आने चाहिए इसी डेफिनेशन. आपने वर्ड्स में तो बोलो. कौन बोल रहा है? अथर्व बोल रहा क्या? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ऑफ पीपल. हां ये बराबर है. हां ये गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऐसे कुछ सुने होंगे तुमने. फिर क्या है सोशल जस्टिस? इसका मतलब क्या होता है सोशल जस्टिस का मतलब? न्याय. क्या रहता सोशल जस्टिस? हाँ बोला बोला बोला. तुम बोल रहे बराबर. अंतरा तुम ही बोल रहे थे ना? न्याय. न्याय. न्याय नाइंसाफी नहीं होना चाहिए. हजारों क्या बोलते गुनहगार भी छुड़ गए तभी एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए. इसलिए हमारे कानून को अंधा कानून बोलते हैं. फिर तीसरा वाला है जुडिशियल सिस्टम. क्या है जुडिशियल सिस्टम? तुमने वो सुना है लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव और जूरी सुना है क्या? अच्छा वो तो सुनाऊंगा. कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट. उल्टा बोला मैंने. सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट आता फिर बाद में हाई कोर्ट आता और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट आता. मुझे ये बात अभी तक नहीं समझ में आई. औरंगाबाद में हाई कोर्ट है ना? हाई कोर्ट है ना औरंगाबाद में? देखा है क्या तुमने? किसने कोर्ट है कौन सा? तो भी औरंगाबाद में एक हाई कोर्ट है. देखो अब वो बोलते हैं मुंबई का हाई कोर्ट है. अब कह रहा मुंबई का हाई कोर्ट इधर क्या कर रहा है? मुंबई में चाहिए था वो तो. फिर इतने साल फ्यूचर में गलत बता रहे थे हमारे को. कभी सवाल नहीं उठाया तुमने अंतरा? ये मुंबई का हाई कोर्ट फिर इधर कैसे गया औरंगाबाद में? क्या पता. क्या पता वो मुंबई बेंच है. वो बेंच ऑफ हाई कोर्ट वो ब्रांच बनाई मुंबई की. औरंगाबाद का हाई कोर्ट नहीं है. नहीं तो बोलेंगे औरंगाबाद हाई कोर्ट. औरंगाबाद में दो कोर्ट है. अदालत रोड एक और फिर बाद में वो लोकमत भवन है उसके सामने है. देखा है क्या? नहीं. हाँ देखा है. सब लोग सो रहे लगता आज. इतने दोपहर में नींद आ रही थी तुम्हारे को गर्मी में? उठो 1 बजे लॉकडाउन खत्म होने वाला है. नहीं लॉकडाउन लगने वाला है. खत्म नहीं होने वाला सर. अभी लगने वाला है 31 मई तक. क्या पढ़ा मैंने आज? आज मैं बोला कुछ तो भी तूफानी करते हैं तो न्यूज पढ़ लिया मैंने तो उसमें लिखा था 31 मई. सर पवार सर बोल रहे थे कि स्कूल खुलने वाली है. अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर का नहीं आया ना कुछ भी? 15 जून को ऐसे कुछ तो बोल रहे थे. लोकमत पेपर में पढ़ा उन्होंने. हाँ बोल रहे हैं सर. वो न्यूज में भी बोल रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल मैच्योरिटी. डेमोक्रेसी डज नॉट मियरली इंप्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर. मतलब एक आदमी को वैसे स्ट्रक्चर नहीं रहता. द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस.
Once this is done, democracy become an integrated part of political life of the society. मतलब एक जन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता, एक जन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता, मतलब सबका हक ही रहता डेमोक्रेसी में, कोई भी इलेक्शन जीत सकता। अभी हमारे ये क्या बोलते, इतने सारे स्टूडेंट है, कितने 7 स्टूडेंट आए हुए, अब 7 स्टूडेंट में से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहती थी तो फिर बाद में वो लोग बोलते थे ऊपर बैठे हुए कि नहीं, हम में से कोई तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, ऐसे सबका ओपिनियन रहता था। But it's not an opinion now because of democracy. Okay, accordingly, the Indian people have direct representation in the parliament, state legislature and local government. Holding free and fair election at regular intervals is an important indicator of India's successful democracy. The increasing participation of the people in the political process and political competition show that the Indian democracy had been successful to a great extent. मतलब कैसी मालूम है, क्या इसका मीनिंग क्या जीवा है? तुम लोगों को सर टाइम नहीं है अभी जाके लोकसभा राज्यसभा में जाके झगड़े करते बैठेंगे, एक पॉइंट मुद्दा तुम्हारा आगे रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या करा था, फिर बाद में अब लेह लद्दाख में यूनिवर्सिटी चाहिए था, अब यूनिवर्सिटी चाहिए था तो राज्यसभा में उनके जो मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने वो पॉइंट कहाँ पे रखा, सामने रखा राज्यसभा के। अब तुम लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं रहेगा, लेह लद्दाख के लोगों के पास इतना टाइम रहेगा खुद जाके वो बोले, तो इसलिए क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं उनके बिहाफ में। ये कैसे चुना जाता, इलेक्शन थ्रू। अब वोट, राइट टू वोट, अपने इधर जो वो वोटिंग सिस्टम होते ना उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये वर्ड कैसे पकड़ के ले लाया मैंने, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट मीन्स वन पर्सन वन वोट, एक पर्सन को एक ही वोट का अधिकार है, वो दस दस वोट नहीं कर सकता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर अडल्ट। इन द प्री इंडिपेंडेंस सेवरल प्रोविजन एग्जिस्टेड विच रेस्ट्रिक्टेड द राइट टू वोट, ऑल सच प्रोविजन वर कैंसल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड adult suffrage by giving the right to vote equally to both men and women above age 21. कितने साल का लिमिट रहेगा? 21 years. The voting age was later reduced from 21 to 18. बाद में क्या हुआ वोटिंग एज का? वो रिड्यूस हो गया 18 साल तक. Which gave opportunity of political participation to young generation in India. Such provision have made India the largest democracy in the world. India has the largest number of voters compared to any other democratic nation. This change is not quantitative but also qualitative as new political parties are emerging with the active support of young voters. Ab isme ye bolte hai ki India mein discrimination nahi hota, iske wajah se zyada zyada log voting ke liye aa rahe hain, samne apne apne naam register kar rahe hain, iska matlab democracy hamare idhar kaisi hai, successful hai. This party represent various expectation of people and compete the political sphere of decentralization of democracy. मतलब पावर एक ही जन के हाथ में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है उनके हाथ में पूरी पावर नहीं है, रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट है तो उनके हाथ में ही पूरी पावर नहीं है, पावर किसके हाथ में है, सबके हाथ में है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स the misuse of power and also creates opportunity for political participation for the common people. The directive principle of state policy includes the provision for democratic decentralization. One such important provision is regarding empowering the local self-government made genuine democratic governance a reality. After independence, several attempts were made towards democratic decentralization. One such important amendment is 73rd and 74th amendment. Amendment wo kya rehta, amendment to the constitution. Koi bolega Sumit aap bolo, amendment to the constitution kya rehta? The constitution mein matlab change lana thoda sa. Haan, change lana thoda sa. जैसे देखो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अब 1950 में जो लॉ एप्लीकेबल रहते थे लोगों के ऊपर वो लॉ अभी तो एप्लीकेबल नहीं हो सकते, तो इसलिए ये क्या करते हैं, वो अमेंडमेंट करते हैं हर टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को।
तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। वैसे एक जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का था वैसे एक 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में हुआ था विच गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन एंड इंक्रीज दिस देयर पावर। Which gave a constitutional status to local self-governing institution and also increased their powers. अब right to information, ये क्या चीज़ रहता right to information? बोलो कौन बोलता है? अंतरा बोलो right to information क्या रहता? अब बारी बारी से सबको पूछता हूँ। बोलो अंतरा जल्दी। मुझे नहीं पता सर। मैं मालूम अथर्वा। Good morning, उठो। गौरी एक मिनट अथर्व क्या है बोलो राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या रहता आवाज नहीं आ रही आपकी अथर्व। गौरी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा करीब है आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं अपन। एग्जांपल दे सकते हैं आप उसका? गौरी हाँ एग्जांपल दे सकते क्या आप उसका? नहीं नहीं। नेक्स्ट कौन है? हर्षिता। हर्षिता हर्षिता यस सर बोलो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या रहता? फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन गौरी ने बोला उसका एग्जांपल। नहीं सर वो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए रही थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हाँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए रही थी बराबर बोले आपने। ईश्वरी आपको पता है? ईश्वरी दो ना कुछ एग्जाम्पल। ईश्वरी एग्जाम्पल तो अर्चिता ने बोला अभी गौरी ने बोला। नहीं पता सर नहीं मालूम। एग्जाम्पल देने को बोल रहा मैं सिर्फ। कोई भी कौन बोलता है? स्नेहा बोलेंगे। चलो बोलो स्नेहा। सर वो जानकारी जानने की ना हमें मतलब अधिकार रहता है जानकारी। बराबर है। वो कब आया था? 2005 में आया था ये चीज। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है हमें तो हमें सपोज क्या बोलूंगा मैं एग्जाम्पल दूंगा। हाँ अभी ये जो समृद्धि हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तेरा अभी सपोज इसको 10 साल हो गए तभी बना नहीं बोले गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं आया। पैसा ही नहीं आया तो अभी हमारे को कॉमन पब्लिक को बोल रहे मतलब कॉमन पब्लिक को इन शॉर्ट क्या बना रहे बेवकूफ बना रहे। तो कॉमन पब्लिक क्या करेंगे आज के कॉमन पब्लिक बेवकूफ नहीं है वो क्या करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उधर से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और वो मिनिस्टर को बताएंगे ये देखो गवर्नमेंट से इतने इतने पैसे आए थे इतने इतने डेट को। अब बोलो क्या बोलना है? बट राइट टू इन्फॉर्मेशन ये तो अधिकार दिया है बट हमें ना बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल ये क्या लॉकडाउन बोलने का है या फिर कुछ 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है कुछ इंडिया में ऐसे बोलते हैं। अब वर्ल्ड कप के मैचेस चालू है तो उसके बीच में हम ना कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं सकते उसमें से राइट टू इन्फॉर्मेशन देख के। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को दे डाला तो बहुत सारा मिस यूज हो जाएगा उसका। अब मैं पढ़ रहा हूँ ये एक काम कर ये एग्जिट करो कर रहा हूँ मैं मीटिंग लगे रिजॉइन करो फिर टाइम खत्म होने आया है इसका। नेक्स्ट इसमें जब अपन कवर करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन।